नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी और सोया की पूड़ी। ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। ये हमने 2 कप आटा ले लिया है, गेहूं का आटा, नमक, अजवाइन, 2 चम्मच हमने तेल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल है, हींग। चलिए हम आटा लगाते हैं। आटा को हमने छान कर ले लिया है, सारा आटा हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे, देखिए, 1 पिंच हींग, नमक 1/2 चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अजवाइन डाल देंगे, अजवाइन को थोड़ा मसल देंगे तो इससे अच्छा ही फ्लेवर आता है। मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। सोया की जो महक है बहुत ही अच्छी लगती है। इसको हमने धुल कर काट लिया था, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये हम तेल डाल लेंगे, थोड़ा सा हमने तेल बचा लिया है, मिक्स कर लेंगे। एक गिलास हमने पानी ले लिया है, जरूरत के हिसाब से हम डालेंगे। ज्यादा हमको ढीला आटा नहीं तैयार करना है। इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अभी जो हमने तेल बचाया था इसको हाथों में लेंगे और ऐसे करके आटे को चिकना करेंगे। आटा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। दस मिनट के बाद हम पूड़ियाँ बनाएंगे। 10 मिनट तक हम इसको रखा रहने देंगे सेट होने के लिए। 10 मिनट हो गया है, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। देखिए, चलिए अब पूड़ियाँ बेल कर तैयार करते हैं। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, अब हम गैस को जला देंगे। एक प्लेट में हमने टिश्यू पेपर रख लिया है, चकला ले लेंगे, थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे चकले। आपको बड़ी छोटी जितनी बड़ी पूड़ियाँ बनाना है आप लोई बना लें। एक बार हम ऐसे लोई बनाकर रख लेते हैं। तेल लगा के पूड़ियों को बेल लेंगे। ऐसे हम पूड़ियाँ मेलकर तैयार कर रहे हैं। देखिए, देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। तलने के लिए हमने पूड़ियाँ बेल कर रख लिया है। तेल हमारा गर्म हो रहा है, बाकी की पूड़ियाँ भी ऐसे ही हम बेल कर तैयार कर लेंगे। एक हम छोटी सी पूड़ी बनाकर तेल में डालकर देखते हैं। तेल हमारा पूड़ियाँ तलने के लिए गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके पूड़ियाँ डालेंगे।
प्लेट में हम निकालते जाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी पूड़ी बन रही है। ऐसे ही हम सारी पूड़ियाँ बनाकर रख लेंगे, बिल्कुल ये खस्ता के जैसी है। इसको आप सब्जी और चटनी के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। अचार के साथ भी खा सकते हैं। ठंडी के मौसम में ये हरी चीज़ें खानी चाहिए। हरी सब्जियाँ आजकल के बच्चे खाते नहीं हैं, तो उनको ऐसे नई नई चीज़ें बनाकर खिलाइए, बच्चों को टिफिन में दीजिए, खाएंगे जरूर। गैस को बंद कर देंगे। खस्ता पूड़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। सोया मेथी की पूड़ी बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।